हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर मीन्स जो यहाँ पर हमारे पास नंबर दिए गए हैं, बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर है 729। तो हम 729 को यहाँ पर लिखेंगे और इसका इस तरह से डिवीजन फॉर्म में इसको लिखेंगे। अब हमने इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट हम किसका निकालते हैं, टू मतलब एक सिंगल नंबर का निकाल, सिंगल नंबर नहीं और आप कह लो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर मींस उस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर इस तरह से आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पेयरिंग बनानी पड़ेगी। इनको पेयर बनाना है और पेयरिंग बनानी हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ वंस की डिजिट से। यहाँ वंस, ये टेंस, ये दोनों को पेयर बना दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सेवन। तो हम यहाँ कॉमा लगा देते हैं। आप नहीं भी कॉमा लगाओ तो चलेगा, कोई बात नहीं। बट अब आपको इसको सिंगल डिवाइड करना है। अब आपने इसकी पेयर बना दिया है, आपको इसी नंबर को सिंगल डिवाइड करना है। अब हमने ये देखना है कि ये नंबर जो है, ये नंबर या इससे कम का जो नंबर है वो कौन सा है जो इससे डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ 4, 3 3 ज़ 9। 2 2 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया। 3 3 ज़ 9, 2 2 का 4। अब इन दोनों में से 7 के नीचे कौन सा आएगा, 7 के नीचे कौन सा आएगा, 4 आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 2 2 ज़ 4 4। अब हम क्या करेंगे, इसको 7 को 4 में से 4 डिवाइड कर देंगे 7 में से। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 3। अब हम अगेन इस प्रोसेस को चलाएंगे। हमारे पास जिससे हमने पहले डिवाइड किया है 2 2, इन दोनों को प्लस करके हम यहाँ पर लिख देंगे। 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ से हमने माइनस करके 3 यहाँ लिख दिया था। अब ये नंबर हम पेयर में नीचे यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ पर 29 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 29 लिखेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पेयर में नंबर लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने ऐसा नंबर चूज करना है जो हमने, अब 4 को तो साथ में लेना ही लेना है। अब हमने यहाँ पर ऐसा नंबर चूज करना है जिसके एंड में 9 आता हो। अब एंड में 9 आता हो और उसको हम 4 के साथ भी ऐड, 4 के साथ लिखेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, ये फुल नंबर से डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको साइड पे करके बताती हूँ। जैसे हमारे पास है यहाँ पर, अब हमने क्या करना है, इस नंबर को देखना है, इस नंबर के साथ ऐड करके देखना है। 4 3 3 का 9 आता है ना, तो हम 3 से 3 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 3 3 9, 4 3 12, ये तो 129 आ गया। ये तो बहुत छोटा हो गया। अब हमारे पास एक और नंबर है, जैसे 4 4 16 होता है, वो नहीं आता। 4 4 अगर हम यहाँ पर 44 × 4 लिखते हैं, वो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमें 9 चाहिए वंस प्लेस में। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद 4 के बाद 5 5 लेंगे। 5 5 ज़ 25 आता है, वो भी नहीं आएगा। 6 6 ज़ 36 आता है, 6 आ रहा है यहाँ, ये भी नहीं आएगा। 7 7 ज़ 49, यस 7 7 ज़ 49, 7 7 ज़ हम 7 का लेकर चलते हैं यहाँ पर। 7 7 ज़ 49, 9 लगाए, 4 कैरी, 7 4 ज़ 28, 29 30 31 32, यहाँ पर 32, मतलब 329 किसका आया, 47 7 ज़। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 7 लगाएंगे और यहाँ पर भी 7 लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 329। यहाँ पर हमारे पास ये नंबर पूरा सॉल्व हो गया। तो इट मीन 729 किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है 27 का। इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर को भी हम इसी तरह यहाँ पर लिख देते हैं। इसकी भी हम पेयरिंग बना लेंगे, इसकी और इसकी। अब आपने देखा ये दोनों पेयर बन गए। उसी तरह से हमने यहाँ पर देखा था ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है। अब हमारे पास यहाँ हमें लग रहा है 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। इन दोनों में से कौन सा स्मॉल नंबर है जो इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर है 9। तो हम क्या करेंगे, 3 3 ज़ 9 लिखेंगे यहाँ पर। अब हम 12 में से 9 को माइनस करेंगे, क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। 3 हमने लिख दिया। अब हम पेयर में नंबर उतारेंगे ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर हम पेयरिंग में नंबर उतारते हैं 2 नंबर्स को एक साथ। अब हमने क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप 3 प्लस 3 क्या हो गया, 6 हो गया। अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब हमारे पास तो यहाँ 6 आ गया ना। अब हमने वो देखना है जहाँ पर एंड में 6 आए। हम 6 4 4 जब भी 16 होता है, 4 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 4 ज़ 16, 1। 4 4 इसका क्या हो जाता है, 4 6 ज़ 24 प्लस 1 25, यहाँ पर 256 आ रहा है, यहाँ नहीं आएगा ये। अब हम वो नंबर लेंगे, 6 6 लेते हैं, 6 6 ज़
सिक्स सिक्स 36, सिक्स गए 3 कैरी, सिक्स सिक्स 36, 37, 38, 39, यहाँ पर 396 आ गया। मीन्स हमारे पास कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर 6 का, हमने साइड पे मल्टीप्लाई करके देखना है कौन सा नंबर हमारे पे सूट बैठ रहा है यहाँ पर। तो हमने इसको किया 6, 6 का हो गया ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे 6, यहाँ पर भी 6 लगा देंगे और हम यहाँ पर भी 6 लगा देंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर भी अगर 6 लगाएंगे यहाँ पर भी, तभी हमने जैसे यहाँ पर भी लगा दिया था 7 7 दोनों साइड पर। तो अब 6 को 6 से, अब इसको मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 396 आ रहा है, तो हमने डिवाइड करके इसको आंसर निकाल दिया। तो अब आपको पता चला होगा जैसे यहाँ पर इसका स्क्वायर हमने 27 निकाला था, तो 1296 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। तो इस तरह से हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, बच्चों को बहुत ही इजीली समझ आ जाता है ये वाला, अगर बच्चे ध्यान से इसको डीपली थॉरली समझे तो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।